चंद्रमोहन जी कि आज विषय क्या है? विषय हम आए दिल्ली की जनता के लिए। मैं फिर बार बार प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, पिछले डेढ़ महीने से दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता दोनों ने जवाब नहीं दिया। 200 से ऊपर जाने गई अनामिका, और उसके ऊपर जो हमारी बहु बेटियां थी उनको टैंकर पे चढ़कर पाइपें डालकर पानी लेना पड़ा। कौन सी त्रासदी क्या चली? कौन सी भाजपा पानी नहीं दे रही? त्रासदी क्या चली कि आम आदमी पार्टी के नेता काम नहीं कर रहे थे? आज किसने बैठे हम, एक बारिश ने आगे बदहाल कर दिया, और उसके बाद 7 एमपी पे प्रश्न ना पूछे हम, उसके बाद मुख्यमंत्री पे प्रश्न ना पूछे हम पानी के मंत्री से प्रश्न ना पूछे हम। नहीं 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 चंद्रमोहन जी, कंपेयर किस पे करा जाएगा? आपके नेता ही, आप लोगों के नेता ही, आप यानी कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में वो भी मटका लेकर, खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो ये कहिए ना कि दिल्ली में जल संकट यानी जो पानी नहीं था उसके लिए भी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है या नहीं है, तो खुल के बोल दीजिए। और नहीं है तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार जल संकट पैदा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। अच्छा। क्योंकि अपनी दोनों की कोरी राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए दोनों की रणनीति पूरी रही है। और उसी तरह से आबकारी नीति के अंदर माल मसूवा बांटना और खाना वो भी पूरी रही है। तो नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते दोनों, आज नूरा कुश्ती क्यों करते हैं? आज भी अगर मैंने बार बार जिन प्रश्नों का जवाब दिया, ना तो संजय भाई ने दिया ना राधिका खेड़ा ने जवाब दिया, दोनों से जवाब ले रही हूँ, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। संजय मिश्रा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ना संजय मिश्रा बोल रहे हैं, राधिका खेड़ा ना बोल रही हैं, उनके पास प्रश्न नहीं है। राधिका खेड़ा जी आई हैं और वो आम आदमी पार्टी में प्रश्न खड़ा कर रही हैं। अरे पानी आया कैसे, सुचारू व्यवस्था कम कैसे हो गई? आज पानी ज्यादा हो गया तो उसके लिए उस सिंचाई का व्यवस्था का, उस पानी का इस्तेमाल सर पीने में भी तो नहीं कर सकते, जल संकट तो वैसे ही बना रहेगा ना। उस पानी का इस्तेमाल जो भर गया है उसको तो इस्तेमाल पीने में भी नहीं होगा, करप्शन से बड़ी होगी सर, पीने के पानी की दिक्कत तो वैसे ही रहेगी लोगों की, जिसके अंदर करप्शन है वैसे जल के अंदर भी। मोहन जी का दर्द बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिल्ली की जनता ने कहा ये सत्ता में बैठे रहे, एक भी विधायक नहीं, आप आपस में ही लड़ लीजिए, ये सही है, लड़ाई नहीं, आप आपस में ही एक दूसरे पे आरोप लगा लीजिए, सच्चाई रख रहे हैं सामने, विधायक नहीं सच, मुझे अच्छा लग रहा है सच्चाई रख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी प्रयास करेंगे कि भाई हम भी जनता के दिल में बीच में जाए और जगह बनाए, अपना बनाना भी चाहिए इनको, जैसे भाजपा प्रयास करते करते, मतलब आप एक, मतलब मुझे इंडिकेशन मिल गया है, अब मुझे इंडिकेशन मिल गया है आज, और जो अभी दर्शक देख रहे हैं उनको भी ना, मुख्यमंत्री की आप बोलिए, लेकिन आज ये संकेत मिल गया है आगे आप लोगों की राहें अलग हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का आपने नाम अभी कोट किया, अमित मालवीय, कि उन्होंने ट्वीट किया है, ये अमित मालवीय कौन? वही बीजेपी का अभी आईटी सेल का हेड है क्या? अभी बने हुए क्या? अभी राधिका जी से पूछ लीजिए, शोषण का शायद आरोप लगा है इनके ऊपर, वही है जो बात कर रहे हैं उस पर नहीं आ रहे हैं लोग, भारतीय जनता, अरे बस यही दिक्कत है, रुक जाइए, मुख्यमंत्री पे आरोप, अच्छा प्रॉब्लम यही है, मैं कह रही हूँ, मेरा सीधा टॉपिक है पहले जल संकट, आप पानी के लिए प्यासी दिल्ली क्यों, आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम गोल गोल घुमा रहे हैं बात को, आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, राधिका खेड़ा रुकिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार को एक महीने फ्री हैंड काम करने दे, सारी समस्याओं का समाधान, फ्री हैंड काम नहीं करने दे रहे राधिका जी, राधिका केड़ा ये वीडियो दिख रहा है आपको, मैं जो दिखा रही हूँ कैमरा में, ये वीडियो है, और ये वीडियो कहाँ का है? ये प्रगति मैदान टनल का पा है, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी रोड से पानी पंप लगाकर प्रगति मैदान टनल के अंदर पानी को भर रही है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं ना, लगातार आम आदमी पार्टी हर चीज डाइवर्जनरी टैक्टिक यूज कर रही है लगातार। आप इनसे सवाल पूछेंगे, कोरोना के काल में आपको याद है ना क्या हुआ था, दिल्ली में लाशें पड़ी हुई थी सड़कों पे, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए लोग तरस रहे थे, तब भी उन्होंने दिल्ली को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था, तब भी जाने गई थी, और जितनी मौतें दिल्ली में हुई है उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल साहब है। इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई तो उस पे बोलो, देखिए ये बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं बिहार में एक सप्ताह में 4 पुल गिर गया, आपको राधिका खेड़ा जी आपको चिंता है, आपके भ्रष्ट जी अपने टाइम पर बोलिए ना प्लीज, अपने टाइम पर बोलिए राधिका खेड़ा, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ जी, जब मैं लगातार सच बोलती हूँ और सामने सच्चाई लाती हूँ और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करती हूँ या कांग्रेस को, तो इनके प्रवक्ता बीच में बोलते हैं, ये इंडिया अलायंस का नेचर है, जैसे मैंने कहा ये बीच में लगातार बोलेंगे, बार बार ये बात हो रही है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा रही है, तो किस पे उठाएं, कांग्रेस पे उठा दो ठीक है, कांग्रेस के 15 साल के शासन पे शीला दीक्षित जी के सवाल उठा देते हैं, क्यों वो ऐसा दिल्ली छोड़ के गई जिसमें आज भी तकलीफ हो रही है, और उसके बाद 10 साल से क्यों अरविंद केजरीवाल साहब इसको ठीक नहीं कर पा रहे, अरविंद
केजरीवाल साहब ये ट्वीट करते थे ना, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम शीला दीक्षित जी के लिए, आपस में जो ये खेल खेल रहे हैं उसके बाद चुनाव इकट्ठे लगते हैं, तो हेल्पलेस सीएम की जगह अब केजरीवाल साहब आ गए। अब बताइए आपने क्या किया उन समस्या को ठीक करने के लिए। 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, और ये लगातार कहना कि ये खराब है, वो खराब है, ये हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे अगर आपको काम नहीं करने दे रहे थे, आपको भ्रष्टाचार करने का मौका कैसे मिल गया ये बताइए। आप भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे, आप दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करना चाहते थे, आपने क्यों नहीं काम किया? भरनी थी क्योंकि आपको खालिस्तान आपको पंजाब में भी करना है, वहां पे आप लोगों ने खुद ही के एमपी को, खुद ही के मिनिस्टर, खुद ही के आपने पार्टी के लिए को जेल किया जब भ्रष्टाचार सामने आया। और ये जो लगातार कोर्ट है कि दिल्ली हमने उनको बंद कर दिया, आपको कोर्ट देखने राधिका जी, राधिका जी भ्रष्टाचार किया, वो तो ये कह रहे हैं उस वजह से कि आप काम तो छोड़िए, आप हमें निष्पक्ष काम नहीं करने दे रहे हैं, आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप उनको उसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता को भी बांट के देखें। मुझे एक बात बताइए, क्या हाँ। निष्पक्षता ये होती है कि जब आपका हेल्थ मिनिस्टर जेल में होता है तो उसको मसाज की सर्विसेज मिल रही है, हल्दीराम से खाना मिल रहा है और क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं? निष्पक्ष काम करना ये होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज, बिस्लरी का पानी जेल में केजरीवाल साहब को मिल रहा है, लेकिन आम जनता को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। जिस तरीके से रोज लाइट जा रही है, दिन में कितनी बार लाइट जलती है, आपने कहा था फ्री बिजली पानी देंगे, पर ये तो नहीं कहा था कि दिल्ली की जनता को बिजली और पानी से ही फ्री कर देंगे, ना बिजली होगा ना पानी मिलेगा, ये था आपका फ्री बिजली फ्री पानी। शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं ये लोग, इतने बड़े बड़े जाके महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, दिल्ली की जनता से माफी मांगे कि हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी गलती को मानना जरूरी है। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक ये कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से राजनीति चल रही है इसका मतलब दिल्ली में कुछ ठीक होने वाला। चंद्रमोहन शर्मा कुछ कह रहा था, चंद्रमोहन शर्मा कुछ संविधान से क्या दिक्कत है आपको? ये जय संविधान से क्या दिक्कत है? अगर सदन में शशि थरूर जी जय संविधान कह देते हैं तो उससे क्या दिक्कत हो जाती है? अच्छा, जय संविधान बोलने से आप दिल्ली वालों को, जय संविधान बोलने से आप आम संविधान ही तो अधिकार दे रहा है मुझे कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सरकार से, उसी संविधान ने मुझको अधिकार दिया है। छोटा सा दिल्ली का नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने गृह मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछ सकता हूँ? धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, राधिका जी रुकिए, चंद्रमोहन शर्मा, धर्मेंद्र यादव 10 सेकंड सर जल्दी से। जिसको आपने बोला था कि वो चाय बेचते थे, पूरे शो के दौरान मैंने आपसे पूछा अभी कोई पांच काम ऐसे बता दें जिससे वाटर लॉगिंग दिल्ली के अंदर ना हो या एनडीएमसी के अंदर ना हो। ये तो आपको बगल में बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। ना 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 ना, जो बगल में बैठे हैं उनसे पूछिए सर, ये तो फिर सवाल ही गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप। इसके अंदर एक लास्ट बात कहूंगा, मेरठ में जितने नाले उनसे सफाई का पैसा रिलीज हो गया, पैसा खत्म हो गया, लेकिन एक भी नाला साफ नहीं हुआ। मैं वही कह रही हूँ, बयान आया उसको सुनिएगा, ये ना ऐसे मुद्दे हैं, पूरा पानी भरा हुआ सर, ये पार्षद लेवल के, ये निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, ये उम्मीद ना करिए मिश्रा, जब ये निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि ये आपस में मिलजुल कर निभाने चाहिए। पेपर लीक नहीं, इस तरीके से हमें नाली नालों, जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे, हमें उस पर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये पब्लिक की समस्या है। ये अगर मिलके आपस में सुलझा ली होती तो ये स्थिति होती नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं होती फिर। बिल्कुल, यदि सीरियस बात करें तो आज आम आदमी पार्टी के एलजी साहब को जल मंत्री को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि इसका रास्ता क्या है, हम इसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं। यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई इसका समाधान खोजें। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा वो ठीक है कि ये मेरा एक व्यंग था कि राजनीति से परे होकर के जनता का हित साधना चाहिए। एयरपोर्ट टूट जाता है, आपके फ्लाईओवर गिर जाते हैं, ये कौन समझेगा, ये कौन समझेगा? सवाल सर वही बना हुआ है सर, पिछले साल भी हमने भ्रष्टाचारियों की बात मत करो जो बीजेपी में है या इनके साथ जो चले जाते हैं। अभी सर भ्रष्टाचारियों से दिल्ली की जनता जिस से जूझ रही है, मेरा सवाल सिर्फ उस पर है, उस समस्या का समाधान कब होगा? राजनीति मत कीजिए प्लीज, राजनीति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सियासत, राजनीति के लिए चुनाव है, चुनाव लड़िए और चुनाव में राजनीति कीजिए। दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान कब होगा ये बता दीजिए, सवाल वही था और अभी भी बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।